हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो होप आप सब अच्छे से होंगे क्लास में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी रिट्रीट है सच्चिदानंद प्रभु जी की, तो होप आप सबकी तैयारियां हो गई होंगी। अभी कौन कौन जा पा रहे हैं रिट्रीट में? ओके, पद्मा माता जी जा रही है, राजेश्वरी जा रही है, कविता माता जी। हरे कृष्णा कविता माता जी, बहुत दिन बाद आप क्लास में आए। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं भगवद गीता की। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर परमानंदिनी हरे हरे बोल। तो आप सबको याद होगा कि जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, तो हमने आपको एक विषय सूची दी थी शॉर्ट में, है आप लोगों के पास लिखी हुई, उसको निकालिए। तो देखिए आपका क्या सीक्वेंस चल रहा है कि 1 से लेके 4 श्लोक तक भगवान ने क्या बताया है, किसके बारे में बताया 1 से लेके 4 श्लोक? ज्ञान का गुणगान। हाँ, भगवान ने कहा है कि जो परम ज्ञान है उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका गुणगान क्या है। देन उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट सेक्शन में श्लोका नंबर कहाँ से कहाँ था, 4 से 10। हाँ, भगवान के ऐश्वर्य ऐश्वर्य के बारे में बताया गया, ठीक है ना। 10 तक हमने देखा, फिर 11 से 25 श्लोक तक हमने देखा, 11 to। हाँ कृष्ण की विभिन्न उपासक। हाँ फिर हमने देखा कि भगवान की जो आराधना है कई पद्धतियों से की जाती है। कुछ लोग सका, कुछ लोग भगवान की जो है भक्ति करते हैं, कुछ लोग निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं। तो इन सब का क्या डेस्टिनेशन होता है, भगवान कैसे देते हैं, उनकी उपासना का क्या मतलब मेन मकसद होता है और कहाँ वो पहुंचते हैं, ये सब भगवान उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद 25, 26 से 34 26 से 34 तक भगवान क्या बता रहे हैं, भक्ति की महिमा। भक्ति की महिमा बता रहे। तो अभी हम लोग कौन से सेक्शन में चल रहे हैं, अगर 21 श्लोक पढ़ना है हमें तो? विभिन्न उपासक। यस, अभी हम लोग विभिन्न उपासक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले भगवान ने क्या कहा, फर्स्ट सबसे पहले भगवान ने भक्ति के बारे में डिस्कस किया है ना, कि भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैविम प्रकृति माश्रित। भगवान राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं, उन पर भौतिक जगत का प्रभाव या रूल्स नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, मतलब आप सब जो भक्ति कर रहे हैं सुंदर सुंदर शिल प्रपात के मिशन में, तो आप सब देविम प्रकृति माश्रिता यानी राधा रानी के संरक्षण में है, तो ये मोर डेंजरस है। आपको पता है ये मोर डेंजरस है क्यों? क्योंकि कृष्णा को सब पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, तो फिर क्या करते हैं कृष्णा, बहुत हैवी डोज देते हैं, इसलिए छोटे डोजों में हमें सुधर जाना चाहिए, है ना। तो क्योंकि अभी तो माया देवी तो कम से कम ये रहेगा कि आपने इतना नहीं किया तो इतना नहीं दे पाएंगे। लेकिन कृष्ण कितना दे पाएंगे पता नहीं, है ना। कैसे, परीक्षित महाराज, किसने किसने परीक्षित महाराज की कथा सुनी है श्रीमद् भागवतम में? ओके, तो परीक्षित महाराज को आपने पढ़ा कि जब भवो पेट में थे उत्तरा के, तो फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, है ना, तो भगवान ने उनकी रक्षा की, और जब तक्षक ने काटा तो नहीं वही सेम सिचुएशन है, सेम भक्त है ना, जबकि ब्रह्मास्त्र तक्षक के आगे कुछ भी नहीं है ना। तो जब ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उनकी जाके रक्षा की गर्भ में, है ना, वो मृत्यु को भी टाल सकते थे भगवान, है ना, लेकिन उस समय उनकी रक्षा नहीं करके उनको सिद्ध अवस्था प्राप्त की। मानव जीवन का जो उद्देश्य है कि वो भगवत धाम वापस जाए, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां पे उसकी रक्षा नहीं की, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि हमें तक्षक से कटना है कि ब्रह्मा से बचना है, तो छोटे में निपट ले सही रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब बड़ा आएगा तो अगर आपको भगवान के पास रस रहेगा तो आप भगवान के पास आएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
आज हम पढ़ते हैं 21 श्लोक। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 21 श्लोक में भगवान बता रहे हैं ते तम भुगुत्वा सर्वलोक विशालम शीर्णे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति एवं त्रिधी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। भगवान ने अभी जस्ट इस श्लोक के पहले जो श्लोक था उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह जो वेदों का अध्ययन करते हैं या सोमरस का पान करना चाहते हैं उनकी क्या इच्छा होती है स्वर्ग प्राप्ति की, है ना, कि कहां जाए स्वर्ग में। और प्रत्यक्ष रूप से जो भगवान की एक तो प्रत्यक्ष पूजा होती है तो अप्रत्यक्ष पूजा होती है ना, डायरेक्ट सर्विस हम जैसे भक्त लोग डायरेक्ट सर्विस करते हैं कृष्णा की, लेकिन ये लोग जो सर्विस करते हैं लेकिन मांगते स्वर्ग लोक है लेकिन उपासना किसकी कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, है ना। भगवान क्या करे अप्रत्यक्ष रूप से ये मेरी पूजा करते हैं लेकिन इनका जो पूजा विधि है वो त्रुटि पूर्वक होता है। पीछे बढ़ा पढ़ा था ना अपने निर्विशेष वाले में, भगवान कहते ठीक है अप्रत्यक्ष पूजा करते हैं लेकिन त्रुटि पूर्वक पूजा करते हैं। तो ये पाप कर्मों से शुद्ध होकर क्या होता है, अगर जब वो भक्ति ऐसी करते हैं सकाम भक्ति तो क्या होता है ये शुद्ध होते हैं, है ना, और फिर इंद्र के स्वर्ग लोक में जाते हैं क्योंकि इनकी इच्छा होती है स्वर्ग प्राप्ति की, ठीक है ना। तो जहां वे देवताओं को का आनंद भोगते हैं तो फिर इनका होता क्या है, भाई देवताओं से आनंद भोग लिया बहुत सुंदर, है ना कई हजार वर्ष आपने बहुत सुंदर सोम रस का अप्सराओं का बड़े बड़े गार्डन्स का और अंगूर खाते हुए जीवन बिताए हैं, है ना, बहुत पारिजात फूल के साथ क्या है डेस्टिनेशन क्या होता है भगवान हम कल नहीं कर तो होता है। कृष्ण माता जी बार बार अनम्यूट हो रहे उच्चार है कि हम बोले नहीं क्योंकि लोग इंद्रिय सुख में रहना चाहते हैं सर, वो चाहते नहीं कि वो हमको उसको इतना बड़ा जो सत्य है वो रिवील आउट कर दें ताकि बेचारे कहेंगे हम तो इतने भक्ति कर रहे हैं इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं अनाथालय बनवा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना, इतनी सर्विसेज कर रहे हैं, उन्हें 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, है ना, हमें तो स्वर्ग जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं हाँ हाँ आप स्वर्ग भी चले जाएंगे इंद्र के लोग। अब विस्तृत स्वार्पिक इंद्रिय भोग लेते हैं और तब उनके पुण्य कर्म का जो खाता खत्म हो जाता है तो पुनः मृत्यु लोक में आकर गिर जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं फिर से बैक टू पवेलियन। अब इतना सुख प्राप्त करने के बाद जब वो पृथ्वी पर आते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक क्लेश मिलता है तो कैसा लगता है मान लीजिए अभी आप एसी में सोते हैं और आपको झोपड़ी में सोना जून में, है ना, फटीचर झोपड़ी में, ऊपर से मच्छर चूहे का तो अलग रहेगा, भूख भी लगी रहेगी और सौ बीमारियां, बताइए तो वो व्यक्ति को कितना दुख लगेगा क्योंकि हमने इतना ऐश्वर्यशाली जीवन जिया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं पुण्यों के फल छीण होने पर उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है, इस प्रकार वे तीन वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की अन्वेषण करते हुए जन्म मृत्यु को चक्र जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। भाई इतनी मेहनत करके वो स्वर्ग गया, स्वर्ग जाना इतना आसान है, बताया कितना कुछ करना पड़ता है देखना पड़ता है तब जाके लोग स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग जाने के बाद फिर वापस पृथ्वी पर आ गया, प्रभुपाद करे फायदा क्या हुआ। और ये नॉलेज कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं क्योंकि भगवान ने सारी दुनिया बनाई है तो बता रहे भैया तुम स्वर्ग लोग जाओगे सब करोगे लेकिन जब तुम्हारा बैंक का खाता खत्म हो गया तो फिर वापस कहाँ आना है पृथ्वी पर। तो मतलब इतना मेहनत करके वापस पृथ्वी पर पुनः मुश्किल भव तो फायदा क्या है है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को कभी नहीं समझ पाता, है ना, वो कभी कृष्ण तक नहीं पहुंचा, वो हमेशा क्रिटिसाइज करेगा शिव जी बड़े हैं देखिए
राम जी जब पुल लांग रहे थे तो उनसे हुआ नहीं, उन्होंने शिव जी की स्थापना की रामेश्वरम में, उसके बाद उनको शक्ति मिली और तब जाके वो काम कर पाए। आप समझते हैं सब चीजों को? अगर शिव जी बड़े नहीं होते तो राम जी जो है ऐसा क्यों करते, शिव जी की आराधना क्यों करते, अगर वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो, है ना, राम जी की आराधना क्यों करते, ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, है ना। तो कहना चाहिए कि भगवान जो है भक्त वत्सल है, ये दिक्कत है भगवान के साथ, है ना। वो तो सुदामा को, अब उनकी सारी रानियां सेवा कर रही थी, अपने सिंहासन में बैठा दिया और उनके पैर धो के उनका चरणामृत ले रहे थे, तो इसके बारे में क्या कहा जाए। तो वो भी भगवान हो गए, सुदामा भी भगवान हो गए। भगवान भक्त वत्सल है, और कैसे भक्त वत्सल है, सुहृदय है भगवान। कैसे सुहृदय है, अपने भक्तों की जब महिमा बढ़ती है ना तो भगवान को ज्यादा आनंद आता है, है ना। जैसे लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना भौतिक जगत में, भौतिक जगत में सब अपना नंबर बनाने में लगे रहते हैं, है ना। ग्रुप लीडर तो सबसे पहले उसी का नाम आना चाहिए, सीता ठकुरानी देवी दासी, अगर किसी का नाम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। है ना, तो हम सब कुछ तो फिर ये दिक्कत हो जाती है, अब फिर हमारी खैर नहीं। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमने ये एक्सपीरियंस किया कि ग्रुप लीडर ही सब कुछ होता है, उसको किसी को आगे ना उसके बारे में सोच, थोड़ा बहुत सोच लेगा तो उसके साथ खाना देके वीडियो बनवाएगा, मैंने इतने लोगों को प्रसाद बांटा, और मान लो किसी का नाम करेगी भी तो बताया जाता है मेरे ग्रुप में हो इसलिए तुम्हारा नाम हुआ है। मेरा देश है इसलिए महान है, है ना, मेरे पिताजी है इसलिए महान होने चाहिए, यू अंडरस्टूड। तो ये है हमारा विस्तार, ये है हमारे ईगो का विस्तार, है ना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जब कोई समस्त कारणों के कारण कृष्ण को स्वीकार नहीं करता। अच्छा चलिए, ये तो हो गया देवी देवताओं और कृष्ण के मध्य में थोड़ा विचार का विभ्रम, है ना। लेकिन विष्णु तत्व में भी विभ्रम होता है, जैसे लोग कहेंगे राम बड़े हैं कृष्ण छोटे, है ना, इसमें भी बहुत डिबेट होता है कि सबसे पहले ये समझने को तैयारी नहीं है कि शास्त्रों में अगर भगवान शब्द की जब बात कही गई कि भगवान कौन है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम ऐश्वर्यशाली षट ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण का नाम लिया जाता है। और श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भी चैतन्य महाप्रभु से जो शिक्षा प्राप्त की थी अपने लघु भागवतामृत में इसका खुल के उल्लेख किया है, खुल के उल्लेख किया है कि यदि भगवान है तो वो कृष्ण है, राम नरसिंह और वामन देव भी भगवान के एक्सपेंशन है, अवतार होते, किसी काम को करने के लिए भगवान का जन्म होता है, है ना। जैसे कि नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने आए थे, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए आए थे, है ना, लेकिन उनकी लिमिटेशन है ना, जैसे कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं वैसे नरसिंह देव भगवान सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक लीला विशेष है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, भगवान जब कोई रोल में आते हैं ना, जब कोई रोल दिया जाता है उनको, तो उसको बहुत बखूबी निभाते हैं, है ना। देखो भगवान जन्म मृत्यु से परे है, भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन पृथ्वी पर आते हैं तो जन्म भी करते हैं और अपनी मृत्यु भी करते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि लीला है, भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं यहाँ भगवान का जन्म होता है, यहाँ भगवान मरे थे, है ना, ऐसा बोलते हैं ना साधारण जनता के लोग, तो ये सब भ्रम है। तो इन सब समझने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, है ना, जिसका पुण्य बहुत अधिक होता है और जो बुद्धिमान होता है वो इन तत्वों को समझ सकता है। इसके लिए भगवत भक्त हृदय होना चाहिए। जब भक्ति होती है तब हम भगवान के लक्षणों को गुरु के द्वारा, प्रामाणिक गुरु के द्वारा बताने पर हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना। नहीं तो क्या करते हैं लोग, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और फिर क्या होता है, वो फंस जाते हैं। तो जो अल्प बुद्धि होती है, समझ गए ना कहने का मतलब क्या है, अगर कोई स्वर्ग तक ही जाना चाहता उसको बताओ तब भी वो कृष्ण को ग्रहण नहीं करेगा, निर्विशेषवादी जो थे कभी नहीं ग्रहण करेंगे, है ना। तो क्या होता है, भले इनकी संख्या ज्यादा होती है लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, इनका डेस्टिनेशन क्या होता है, वापस आ जाएगा। निर्विशेष ब्रह्म का भी यही देखा, इतना तपस्या करते हैं, इतना ज्ञान लेते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में जाके लीन होने की कोशिश करते हैं, लीन तो हो नहीं सकते, फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं।
है ना। और यहाँ देख रहे जो सकाम कर्मी है वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतना इंद्रिय से संयम करते हैं, है ना, भक्ति करते हैं, जो भी भक्ति तो नहीं करते सकाम कर्म करते हैं, तो उनको फिर स्वर्ग में भेजा जाता है ना। स्वर्ग में सुख प्राप्त करके जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस वो पृथ्वी पर आ जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि समझा रहे हैं भगवान की भाषा को कि भाई इतना फिर करने की जरूरत क्या है, या उन साहित्य को या उन लोगों का संग करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे बोलते हैं कि यह समझ जाए, भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, ये जीवन का चरम उद्देश्य है, इसको ये लोग कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसी को कहा जाता है स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना। हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी ना इच्छा करने की, तो हम क्या करते हैं, हम सुनते नहीं है ऐसे प्रमाणिक गुरु के बारे में, सुनते नहीं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। आप लोग तो इतना नहीं करते, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इसका, इस्कॉन में स्पेशली एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग लगाते हैं कि ये लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को बहुत बड़ा मानते हैं। हम बताते हैं कृष्ण राम में 16 16 क्या बोलते हैं उसको, 16 कलाएं हैं, कैसे वो कहते हैं, आए हमसे आर्ग्यूमेंट्स करें, जो मठाधीश लोग होते हैं करते हैं। भाई हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग तो किसी शास्त्र में लिखा उसको पढ़ दे रहे हैं, उसमें बताओ हमारे पीछे पड़े हैं, हम क्या करें, ये तो शास्त्र में लिखा है ना। जैसे अब वो मायावादी है जितने लोग, तो भाई शंकराचार्य जो है अपना अंतिम भाष्य लिख के गए थे भज गोविंदम, है ना, तो हमने थोड़ी कुछ कहा हम तो ऐसे प्रमाण बता रहे हैं जो कि हम मान रहे हैं उसके हिसाब से ही है ना। पद्म पुराण से एग्जाम्पल दिया है बहुत से लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी ने, कि कैसे कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, ये जानना बहुत जरूरी, मेन सोर्स का जानना बहुत जरूरी। देखिए जब धर्म का पतन होता है, समझ गए ना, मान लीजिए कोई धर्म है उसका जब पतन होता है, ह्रास होता है, समझते हैं ना, डिग्रेशन होता है, तो होता क्या है एक्चुअल में, जो मेन बेसिक प्रिंसिपल होती है उसमें करप्शन आना शुरू हो जाता है ना। जैसे एक सिद्धांत मान लीजिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि भगवान ने पूरे कोई भी समाज है उसमें 4 प्रकार के लोग रहते हैं, एक प्रकार से दुनिया नहीं चल सकती, जो आज कहते हैं सबको पढ़ाओ, सबको वो करो, सबको ये करो, नहीं कर सकते इसीलिए प्रॉब्लम है, 4 प्रकार के लोग होते ही हैं, और ये चारों का निर्धारण कैसे होता है, गुण के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर नहीं होता। लेकिन अब डिटरेशन क्या आएगा, हाँ, ये तो एक्सेप्टेड है कि समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि उसको हटा ही नहीं सकते। अब कुछ लोग इंटेलिजेंट होते ही हैं, है ना, कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय होते ही हैं, भाई नेचर होते हैं, आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको डिनाई नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कैसे होता है कि क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होना चाहिए, तो भाई डॉक्टर का पुत्र भी डॉक्टर होना चाहिए, जज का पुत्र भी जज होना चाहिए, तो वहां कहते नहीं, उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब भगवान भी यही बात कह रहे तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं, बेसिक रूल था उसमें क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। अब ये करप्शन आगे चलता जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, वाहे चीजें स्वीकार की जाएंगी, मेन चीजें छूट जाएंगी। जैसे एक व्यक्ति है उसको पेड़ के बारे में कुछ पता नहीं है, मान लीजिए पौधे पेड़ के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है ना, वो देखता कहता है बड़ा सुंदर पेड़ है, इसमें इतने सुंदर सुंदर फूल है, इतने बगल वाले पेड़ जैसे सुंदर आम है ना, इतना सुंदर देखता है, कहता है कितना सुंदर, इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो सोचता होगा कि हाँ भाई पेड़ों में उसके पत्तों को साफ कर दें, वहां पे पानी डाल दें, या वहां पे कुछ कर दें, ऐसा ऐसा अपने अपने मेंटल स्पेकुलेशन मान लो सोच रहा है, लेकिन उसको बाई डिफॉल्ट बाकी लोगों के साथ में माली भी मिल जाता है जिसको पूरा नॉलेज है पेड़ के बारे में, पता है, अरे पागल जड़ में पानी डालो इसके ना, तो क्या तुम हमको चले हो सिखाने के लिए, हाँ तुम हमें सिखाने के लिए चलो, कहाँ है जड़, कहाँ है जड़, दिखाओ, दिखाई दे रहा है पेड़ की जड़, दिखाई दे रही है पद्मावती जी, बेवकूफ कहीं के, दिखाई नहीं माता जी, वो तो अंदर है ना। नहीं दे रही तो होगा ही नहीं। मालिक कहेगा रुको, पेड़ है और पेड़ की जड़ भी है, क्या करो, खोदो, खोद तो दिया इतना, कहाँ है जड़, मेरा भी टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़ा और खोदो और
अगर उसकी बात सुनता है और खोदता है तो उसको जड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और वहां से अगर वो पूरा अगर साइंटिफिक अपना सारा एक्सपेरिमेंट करे तो पता चलेगा ना कि वहां पे ऐसा सिस्टम है जड़ में कि वहां से सारी चीजें सप्लाई होके पूरे पेड़ के कोने कोने में जा सकती है ना? ऐसा सिस्टम बना हुआ है जड़ के साथ। तो एग्जैक्टली वही बात सिद्ध होगी ना जो माली ने कह रहा है। तो खोदने पर उसको मिलेगा ना जड़। उसी तरह से जो देख नहीं सकते अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं उनको भगवान के वास्तविक स्वरूप के बारे में नहीं पता चलता, वो अपनी अपनी मेंटल स्पेकुलेशन करते रहते हैं और इधर उधर करके दुखों को ही प्राप्त करते हैं। समझ में? शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमको समझना होगा कि भगवत गीता के जैसे आगे 15वें अध्याय में हम देखेंगे तो भगवान ने कहा है ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई नहीं है, ये जीव के धर्म की लड़ाई है। कोई भी जीव हो है ना, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, भगवान क्या करे मेरे अंश है। किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। यहाँ पे राम नहीं बोलते हैं, ये डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे नरसिंह भगवान डिक्लेयर नहीं करते, यहाँ पे कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं भगवत गीता में ममे वांशो जीव लोके, सारे जीव जो है वो मेरे अंश है। लेकिन ये दिक्कत क्या करते हैं, मेरी इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने छह इंद्रियों के साथ संघर्ष करते हैं। तो हम कुछ भी कर ले, यानी हम कुछ भी कर ले, किसी की भी शरणागति ग्रहण कर ले, जब तक हम कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होंगे हम वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकते, वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भौतिक जगत में क्या होता है। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट का है तो उसकी संतुष्टि नहीं रहेगी। जो हायर डिपार्टमेंट मान ली कोई उच्च अधिकारी है, उसके नीचे किसी से हम दोस्ती कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि जब तक हम ऊंचे के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा बात नहीं होगा, है ना? जैसे गुरु महाराज हैं, तो गुरु महाराज हैं लेकिन उन्होंने अपनी अथॉरिटीज कुछ दे के रखी, भाई ये लोग हैं आपको हेल्प करेंगे, तो हम उनके उन, उन उनको सुनते हैं लेकिन सोचते हैं नहीं, गुरु महाराज वाली ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा बना रहता है ना ये चीज। तो हम भगवान के ऊपर भी यही चीज लागू करते हैं कि यदि कोई राम का भक्त है तो हमेशा असंतुष्ट रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हम किसी भी संबंध में भगवान वैकुंठ में जब हम हैं, वैकुंठ प्लेनेट में है, तो मान लीजिए किसी भगवान जैसे प्रहलाद महाराज है, उनको नरसिंह भगवान से आसक्ति है और वो अपने आप में तुष्ट रहते हैं। समझ में ना? जैसे जैसे हनुमान जी है वो राम भगवान में तुष्ट रहते हैं। क्लियर हो रही? नॉलेज क्लियर हो रहा है? ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे जो सकाम कर्म कर रहा है, अभी जो इतना प्रयास करता है अपनी इंद्री तृप्ति इंद्री को कंट्रोल में रखता है, इतना यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है, जब जाके स्वर्ग पहुंचता है, स्वर्ग जाके इतने साल तक भोग करता है, फिर वापस नीचे, निर्विशेष ब्रह्म भी इतना ज्ञान अर्जित करता है, इतना वो करता है ब्रह्म अवस्था तक, है ना? एक अच्छा खासा स्टेज है भगवान में, ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या नहीं सॉल्व हो रहा है? हम भगवान के हैं और भगवान की शरणागत नहीं हो रहे। नरसिंह माता जी समझ में आ रहा है ना? तो ये जैसे हम लोग अगर गेम खेलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक तरीका होता है उस गेम तक पहुंचने का। जैसे पहले हम लोग एक गेम खेलते थे, पता नहीं आप लोग खेलते थे कि नहीं, उसमें एक लक्ष्य होता था, उसमें पजल्स की तरह कई सारे मार्ग होते थे और हमें सही मार्ग ऐसे ऐसे ढूंढना पड़ता था, यहां तक जाएंगे, गलत मार्ग ढूंढेंगे तो बीच में ऑब्स्टिकल आएगा, रास्ता बंद रहेगा, नहीं जा सकते। ऐसे पेपर पे भी आता था, न्यूज़पेपर में पहले आता था, हम लोग बहुत खेलते थे। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सही मार्ग को सही डेस्टिनेशन में जोड़ने का। अब बहुत हम फटाफट करते थे तो इसीलिए फटाफट वाले गुरु प्रभुपाद मिले हम लोग को, एकदम सीधे सीधे पजल्स, सारे पजल्स में से एकदम सही रास्ता निकाल के सही लक्ष्य तक पहुंच जाते। खेला है आप लोगों ने गेम? खेला है ना? मैं जो ऊपर से ही शुरू करता हाँ, लो प्रभु जी, प्रभु जी नीचे से शुरू, विष्णुदत्त प्रभु जी कह रहे हैं मैं तो ऊपर से ही शुरू करता था और फिर वो नीचे वापस आ जाता था। सही। आप लोग ने खेला है नरसिंह माता जी? ढूंढो ऐसे ही आता था। ढूंढो तो जाने, जी माता जी, ढूंढो तो जाने, है ना?
हाँ माता जी, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ और एक और आता था चंचल चंपक बुक आती थी, उसमें भी होता था, उसमें भी पजल्स होते थे ऐसे ऐसे करके। तो खैर चंपक वो सब हमें नहीं ढूंढना है। हाँ ये देखो राजेश्वरी दिखा भी रही है। ऐसा पजल गेम होता था कुछ, लेकिन माता जी यहाँ नीचे भी कोई व्यक्ति होता था वो बढ़िया से लक्ष्य होता था, तब हम लोग लक्ष्य तक जाते थे। ठीक है ना, तो भगवान कह रहे हैं मेरे बिना जितने भी लक्ष्य ढूंढोगे तो होगा क्या, भटकते रहेंगे। सकाम कर्मी के बारे में भगवान ने बता दिया, समझ में आ गया। अब सकाम कर्म करना है, 16 सोमवार का व्रत, जगराते, केदारनाथ की चढ़ाई, कुछ करना है नहीं करना है। सिर्फ माला करना को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है। सोचिए कितनी बार आता जाता है, ऐसे किसी दूसरे की बात नहीं हो रही है, ये हमने ही किया है। हम एज अ आत्मा ये हमारे बारे में बताया जा रहा है, हमें लौटना पड़ता। तो आप बाकी आप किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम में जाएंगे तो आपको पता नहीं है, हम लोग स्वर्ग को सबसे ज्यादा समझते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा ज्ञान हो जाए तो वैकुंठ बात करते हैं, और कुछ लोगों को गोलोक के बारे में पता होता है ना। लेकिन क्या बताया जा रहा है, आप स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्मा के लोग भी चले जाएंगे, मतलब देवताओं में आप किसी के भी लोग चले जाइए, आपको वापस आना पड़ेगा, बैक टू पवेलियन। चलो अच्छा कहीं सब वापस आना, ऐसे ही आना, बैक टू पवेलियन। दो तो सिर्फ एक ही चीज है, भगवान अभी बाद में बताएंगे कि मेरा ही लोक है गोलोक धाम, जहां जाके वापस नहीं आ सकता। भगवान यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे वैकुंठ लिखे हैं, है ना, तो वैकुंठ से भी वापस नहीं आ सकते। तो क्लियर हो गया ये चीज, तो स्वर्ग प्राप्ति की जो इच्छा है वो लोग भी वापस आने वाले हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं, अनन्या चिंतयन माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। तो ये श्लोक का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 श्लोक का जो हमने पढ़ा उसमें बोलते हैं कि थस वर्स 20 डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ डेमी गॉड वर्शिप एंड हाउ सच वर्शिपर ऑब्टेन द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ एंड सेटिस्फाइड देयर डिजायर। नाउ कृष्णा विल एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच द अनअलॉयड डिवोटी whose only desire is to perpetually worship him or maintain and receive their necessities। तो चाहे वेदा के स्टूडेंट हो, ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे सकाम कर्मी हो या निर्विशेषवादी हो, मायावादी हो और भी छायावादी हो, सब कहाँ जाएंगे, वापस आएंगे, है ना। तो अब भगवान वो बात बता रहे हैं कि जिससे इन चक्रों से मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, तो 22 श्लोका भगवान कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य मतलब कोई और अन्य नहीं, समझ में, अनन्य का मतलब कहता है नॉट अनदर, ओनली कृष्ण। जो अनन्य भाव से यानी व्यवसात्मिका बुद्धि, है ना, व्यवसात्मिका बुद्धि, ये मेरे दिव्य स्वरूप का अध्ययन करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तब क्या करता हूं, भगवान कहते हैं मैं उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, है ना, जो आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं, है ना। नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला, है ना, भजन में गाते भक्ति विनोद ठाकुर कि नंद बाबा के जो गाय थी उनकी रक्षा करते थे भगवान, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तो भगवान जो है वो रक्षा करते हैं, आवश्यकताएं वो पूरी करते हैं, और जो हमारे पास चीजें हैं, है ना, जो ऑपुलेंस है उसकी भगवान क्या करते हैं, रक्षा भी करते हैं, है ना। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, ये लेकिन किसकी बात की जा रही है ना, पद्मावती जी आपकी ना, नहीं माता जी, शुद्ध भक्तों की बात। जो तो की हो, मुझे लगा कि माता जी कहेंगे हाँ माता जी हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, नहीं हमारी नहीं नहीं वो हमारी ही बात की। तो फिर ईगो आ गया ना, तो ऐसे चलेगा नहीं चलेगा ना। नहीं, क्लियर, चलेगा नहीं। यहाँ पे अनन्य भक्ति की बात करी, जो लोग एक क्षण भी भगवान को नहीं बुला सकते, हम लोग कभी साधना कर रहे हैं देखते हैं कब माइंड खुलता है। तो भगवान यहाँ पे करे, जो एक क्षण भी
बिना कृष्ण भावनामृत के नहीं रह सकते, 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते हैं और क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन। तो देखिए शुद्ध भक्त भी नवदा भक्ति करते हैं और हम भी नवदा भक्ति ही करें, है ना, प्रोसेस यही है, लेकिन उनका श्रवण और हमारा श्रवण अंतर होगा कि नहीं, है ना, उनका स्मरण और हमारा स्मरण अंतर होगा ना, यही करना हम लोग को, क्या करना, धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इस नवदा तो ऐसे कार्य शुभ होते हैं और जो आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिसमें भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी एकमात्र कामना यही रहती है कि भगवान के पास सानिध्य प्राप्त किया जाए। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है, इसी को योग कहते हैं। योग करना मतलब भगवान से जुड़ना और भक्ति के द्वारा जुड़ना, क्लियर हो गया। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है, इसको योग कहलाता है। ऐसा भक्त कृष्ण भावनामृत की कृपा से पुनः नहीं या वापस आता, और शेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग तथा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो भगवान उसे दुखाले बदजीवन में फिर से लौटने नहीं देते, उसकी रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं भगवान, जो हमने सोने की गहने बनवा के रखे हैं वो चोरी ना हो। विष्णुदत्त प्रभु जी आपके तो हो गए, तो आप तो कहेंगे कि योगक्षेम वहां में हम हुआ नहीं हमारा, है पता चला आपका तो जो था वो भी गया, तो योगक्षेम महामियम तो हुआ नहीं, तो भक्ति से श्रद्धा तो नहीं उठी। तो प्रभुपाद यहाँ पे भक्ति की श्रद्धा बढ़ गई, प्रभु जी कह रहे कि जो था वो भी खत्म हो गया, अब चिंता नहीं, टेंशन ही खत्म कर दिया भगवान ने, है ना। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि भगवान अगर बोल रहे हैं कि मैं उसके जो चीजें हैं उसकी रक्षा करता हूँ, तो क्या चीज की रक्षा करते हैं भगवान, हमारी चेतना की रक्षा करते हैं, हमारे जो कृष्ण भावना मृत चेतना है उसकी रक्षा करते हैं, हमारे घर के जो धन धन है वो तो संसार का ही है, वो तो विलय होगा ही, हाँ वो भौतिक संसार का है ना, आज है कल नहीं रहेगा, ये तो नेचर है। तो भगवान यहाँ पे जो रक्षा करने की बात करे, भगवान करे उसकी जो चेतना भग मेरे में लगी हुई है उस कॉन्शियसनेस की मैं रक्षा करता, क्लियर हो गया। नरसिंह श्री माता जी क्लियर हो गया ना, योगक्षेम वहामी हम, यस माता जी, तो बैंक वाला योगक्षेम वहामी हम नहीं, यहाँ भगवान अलग बात कहे, क्लियर हो गया राजेश्वरी। तो लोग सही लोगों से पढ़ते नहीं है। जब सही लोगों से पढ़ेंगे तो भ्रम सारे दूर हो जाते हैं, ठीक है। फिर भगवान देखे आगे 23 में क्या कह रहे हैं, 22 में बहुत सुंदर परपोट है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्युपास्यते, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में लास्ट है, जना पर्युपास्यते प्रॉपरली वर्शिप एंड नित्याभियुक्त ऑलवेज, लिखे लिखे ना तेषाम नित्याभियुक्तम, जो ऑलवेज फिक्स्ड इन डिवोशन इंडिकेट्स डिवोटी एब्सॉर्ब इन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्री प्रभुपाद राइट्स, वन हु इज अनेबल टू लिव फॉर ए मोमेंट विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस कांट बट थिंक ऑफ कृष्णा 24 आवर्स अ डे, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस बाय हियरिंग चैंटिंग रिमेंबरिंग एंड लॉर्ड रेंडर अदर सर्विस कल्टिवेटिंग फ्रेंडशिप एंड सरेंडरिंग फुल्ली टू द लॉर्ड With such determination in their practice of sadhana, the devotee neglect even their own maintenance and do not care for liberation. They leave both responsibility to Krishna. They leave both responsibility to Krishna and thus Krishna personally deliver them. तभी भगवान पर वो सब कुछ छोड़ देता है, जैसे कि where it is said that demigod in shift arrange for the soul passage higher and higher through the material realms of ultimate destination of Brahma Jyoti. तो वन में आस्क व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी वुड गिव द वर्शिप वर्शिपफुल डीटीज कृष्णा सच एज अ बर्डन, व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी वुड गिव हिज वर्शिपफुल डीटीज कृष्णा सच एज अ बर्डन, हाउएवर कृष्णा डज नॉट कंसिडर मेंटेन हिज डिवोटी अ बर्डन, ही वॉन्ट टू सर्व हिज डिवोटी, कृष्णा इज सो पावरफुल दैट सिंपली बाय Exerting his will, he can create unlimited universes.
मेंटेनिंग ही हिज ड्यूटी इज नॉट अ बर्डन रेदर इट इज हिज प्लेजर। यहाँ पे शिल्प्रपाद बता रहे हैं, कई आचार्य जो अपने अपने कमेंट्री लिखते हैं तो बताते हैं कि यानी जैसे भगवान अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो उसका योगक्षेम वहां भी हम कर रहे हैं, जो भी चीजें उनकी रक्षा कर रहे हैं और आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो मतलब हर भक्त भगवान के लिए बर्डन बन जाता होगा कि भाई अब हमारे शरणागति आए तो अब इसका पूरा हम ही को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है नहीं, भगवान के लिए अपने भक्तों को पालन करना, उनकी रक्षा करना बर्डन नहीं होता है, क्योंकि भगवान को ये करने के लिए कोई बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अखिल ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उनको भक्तों को का पालन करना, उनकी रक्षा करना कौन सा बड़ा काम है? क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं ना, अभी हमारे लोग 10 लोग आ जाएं तो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्रभुपाद के कृष्ण को अपने जैसा मत समझो, है ना, कृष्ण को मेंटेन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। तो व्हेन ब्राह्मण अर्जुनाचार्य वाज राइटिंग हिज कमेंट्री ऑन द गीता, ही सॉ दिस वर्स एंड थॉट इट इज मिस्टेक टू बिलीव। हाँ, ये बहुत अच्छी कथा है, भगवद गीता में भी दिया हुआ है इसकी कथा कि ये योगक्षेम वहामी अहम जब श्लोक, एक बहुत बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, उनका नाम था यमुना आचार्य, तो उन्होंने श्लोक पढ़ा तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं गलती से तो भगवान ने नहीं लिखा कि अहम, भगवान यहाँ पे क्या करे, मैं करता हूं। तो उसने कहा कि भगवान इतने लोगों का कहाँ पालन करते होंगे, मतलब अपने किसी सबऑर्डिनेट और लोगों को बोल के करवाते होंगे, अहम कहाँ कर पाते हो। तो ये गलती से लिख गया है भगवत गीता में, यहाँ पे क्या लिखा है, योगक्षेम वामी अहम, मैं करता हूं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं पर्सनली मैं करता हूं। तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो उन्होंने कहा मिस्टेक से लिख दिया गया है, इट्स मिस्टेक टू बिलीव दैट गॉड वुड पर्सनली कैरी वॉट एवर वॉज नीडेड टू ईच डिवोटी। अर्जुन आचार्य देयरफॉर स्क्रैच्ड अवर वहम वहामी एंड इंसर्ट करो मी, आई कैरी से आई हैव इट डन, शब्द लगा दिया, जैसे इसमें लिखा ना योगक्षेम वहामी अहम, है ना, वहामी मतलब मैं वहन करता हूं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं वहामी की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, करो मी, करवाता हूं। अर्जुना सॉ वाज एक्सट्रीमली पुअर, After making this change in the text, he went for begging and he did every day. तो कहने का मतलब है कि वो अर्जुनाचार्य जो थे वो काफी गरीब थे और भिक्षा याटन करके अपना जीवन चलाते थे, तो उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, ये श्लोक पढ़ने के बाद एक चेंजेस किए कि मुझे लगता है कि भगवान ने गलती से लिख दिया है वहम, मैं करता हूँ, पर करवाते हैं, तो ये करके फिर वो अपना भिक्षा याटन के लिए चले गए। When he was gone, his wife heard a knock on the door. ठक ठक, है ना? ट्रिंग ट्रिंग, बदना माजे के घर की घंटी बजी, दरवाजा खुला. Two beautiful boys, fearfully instant that she quickly accept the food and her husband has forced them to bring. These beautiful boys were anxious to get away from her house because they told her the great Brahmana scholar Arjunacharya would probably beat them again. When Arjunacharya's wife expressed disbelief that her husband would beat such boy, the dark boy said, "See and turn and show her marks on the back where he has been struck," and then both dashed away. Arjunacharya's wife was bewildered and she began to cook and eat the food and boys and broth. Upon Acharya's return, he saw his wife eating. He was shocked. According to the Vedic system, a wife never eat before she has fed her husband. But his wife has become bewildered. When he challenged her, she replied, "Acharya, why have you accept so improperly and become so cruel?" She then told him that two beautiful boy had come, left a bountiful
supply of food, and after the dark boy has shown her mark on his back, they have rushed away. The Acharya thought a few moments and then asked what the boys looked like. Upon hearing that one had a beautiful darkish complexion and that the other was white, he could understand that his fortunate wife has been blessed with the darshan of Krishna and Balram. The beaten marks on the beautiful boy back were the result of the Acharya having scratched out the word Vahami. Krishna has been forced to come personally to prove the truth of his word. I carry which what they back. Text actually inform us that a demigod worshipper worship Krishna indirectly. The next verse answer the question, because demigod worship also ultimately worship Krishna. Do they receive the same result as Krishna unalloyed devotees? वो कथा बताई जा रही है, उसमें जो वो जब चले जाते हैं तभी उनके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है, और दरवाजा खोलने पर उनकी पत्नी जब दरवाजा खोलती है तो दो सुंदर बालक, एक सांवला और एक गोरा, आते हैं और बहुत सा सामान लेके आते हैं खाने पीने का, और कहते हैं प्लीज आप इसको रख लीजिए, और यमुना आचार्य जो है उन्होंने कहा है कि मैं आपको दे के आऊं, और मैं अगर आप नहीं लेंगे तो फिर वो उन्होंने ये काम करना करने के लिए मुझे जबरदस्ती की और मुझे मारा है। किसने? काले वाले ने कहा। क्या कैसे मारा है? तुमने पीठ घूम के दिखाया, देखिए उसने मेरी पीठ पर कितना दाग मारा है, कि आप जाके सप्लाई करके आइए खुद, तो हम लोग सामान देने आए, और कह के फटाफट भाग जाते। जब यमुना जो जो आचार्य है वो जो वापस आते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी खाना वाना बना के खा रही है, उनको बड़ा शौक लगता है, कहते अरे जबकि वैदिक धर्म के अनुसार तो पहले हमें बनाती थी, हमें खिलाती थी, उसके बाद खाती थी, आज क्या हो गया कि पहले खा रही है। उसने कहा कि अभी तो आप आए थे और पता नहीं क्या लिखे, फिर उसके बाद आप चले गए खाना पीना खा के। तो मैं आया था? मैं तो नहीं आया था। कहते आप, आपके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने तो अपने आए थे, दूसरा फिर दो बच्चे भी आए थे और उतना सामान लेके आए, और आपने उनको मारा क्यों? इतने कोमल, इतने सुंदर बालक, और मैंने तो कभी नहीं देखा कि आपने किसी पे गुस्सा भी किया है, और आपने उनको मार दिया पीठ पे, और ऐसा मारा कि उसके पीठ पे बिल्कुल निशान थे, मैंने खुद देखा है कि उसके पीठ पे निशान थे, और वो सामान रख के चले गए। कहते मैं आया था और मैं कुछ लिख रहा था यहाँ पे। हाँ आप ये आए थे, खाना वाना खाए, कुछ लिखा वहां पे, फिर चले गए, फिर वो दो बालक भी आए, इतना सामान देके गए, और मुझे बड़ा बड़ा खराब लग रहा है कि आपने उनको मारा, मैंने तो कभी आपका ऐसा नेचर नहीं देखा कि आपने किसी से ऊंची आवाज भी बात की, और आपने उनको मारा क्यों? तो उन्होंने पूछा कि वो बच्चे कौन थे, कैसे थे, तो डिस्क्रिप्शन बताया। तो वो तुरंत आचार्य समझ गए कि ये भगवान थे, और उन्होंने कहा क्या लिखा है, तो उन्होंने जाके देखा तो भगवत गीता में जहां उन्होंने स्क्रैच किया था, तो मतलब देखिए भगवत गीता भगवान साक्षात है आपको बताया जा रहा है, अगर इसमें आप स्क्रैच करेंगे लाइन से तो सीधे भगवान के मुंह पर स्क्रैचिंग होती है, इसीलिए कहा था भगवत गीता में नहीं करना चाहिए कुछ, या भगवान के कोई शब्दों को तोड़ मरोड़ कर एक शब्द भी आप बदलेंगे तो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भक्तों का जो आवश्यकता होती है उसको मैं पूरी करता हूं, किसी से करवाता नहीं हूं, अहम वहम मैं वहन करता हूं। आ रहा है देखिए कितना पर्सनल रिलेशन है भगवान के साथ, भगवान किसी को नहीं कहते हैं, भगवान खुद करते हैं। तो वो अनन्य भक्त थे भगवान के, तो भगवान और कृष्ण बलराम खुद आए उनके घर राशन देने के लिए, किसी को नहीं भेजा। तो वो बात समझ गए और उन्होंने बहुत रुदन किया, उन्होंने जाके देखा तो वहां पे वो शब्द लिखे हुए थे वहामी अहम वहामी, है ना, नहीं भगवान ही वहामी करते हैं। और उन्होंने फिर अपनी बात को काटा और फिर से भगवत गीता में जो अक्षर लिखा था उसी को लिखा, ये कि भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी रक्षा पालन स्वयं भगवान करते हैं, इसीलिए अभी बोला गया है दैविम प्रकृति माश्रिता। देखिए भक्तों की कितनी महिमा होती है, किसी के हाथ में नहीं देते भगवान, खुद पालन करते हैं, है ना,
अपने दोस्तों का करने का, भगवान खुद पालन करते हैं, किसी को नहीं करने देते। उन पर कोई मुसीबत आती है अपने फ्रेंड्स पर, भगवान कहते हैं आंख बंद करो और आप सारी अग्नि समाप्त हो जाती है, भगवान उस अग्नि को पी जाते हैं। किसी फायर ब्रिगेड को बुलाने नहीं गए थे। ये सब ये पर्सनल रिलेशनशिप है, और ये भगवान बता रहे कि कोई अनन्य भक्ति करता है तो भगवान करते हैं, कहते हैं कि उसके सभी आवश्यकताओं की वो पूरी पूर्ति करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी जो लोग विधि है उसमें क्या करते हैं, वो कृष्णा को स्वीकार नहीं करते और निर्विशेष ब्रह्म में जाते हैं या स्वर्ग के सुख में जाते हैं। तो वहां पे भगवान जो है डायरेक्ट हेल्प नहीं करते, क्योंकि इनडायरेक्ट भक्ति करते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन भक्त सब कुछ छोड़ देता है, वो केवल भगवान को स्वीकार करता है और उनके आश्रय में रखता है। इसलिए जब कोई अनन्य भक्ति भगवान की करता है तो भगवान सभी कुछ उसका पालन करते हैं। इसलिए अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और देवी देवताओं की भक्ति करता है, निर्विशेष ब्रह्म की भक्ति करता है, सेम रिजल्ट नहीं प्राप्त होता। ये ध्यान रखे, सेम रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। तो भक्ति को समझना होगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? तो अगर कोई आपको कहता है कि कृष्ण की भक्ति करना और देवी देवताओं की भक्ति करना बराबर है, चलेगा? कभी एक्सेप्ट नहीं होगा एकदम, क्योंकि ये शब्द किसके हैं, ये साक्षात भगवत गीता के शब्द पढ़ रहे हैं। देखिए मुझे तो बूम्स हो रहे हैं, पढ़ती जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे बूम्स होते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी LIC में हैं और हम लोग रोज देखते थे योगक्षेम वहामि अहम्। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि भगवत गीता का श्लोक है। इसलिए इसलिए मेरा थोड़ा सा पर्सनल टच रहता है इसमें। और मेरे पिताजी का नाम है श्री राम और माता जी का नाम है गीता। तो योगक्षेम महामी हम। तो मेरा मुझे हंसी आती है कभी। तो भगवान जो है एकदम क्लियर कट नॉलेज दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जरा सा भी कोई बुद्धिमान होगा तो समझ सकता है सब चीजों को, आराम से समझ सकता है कि देवी देवताओं की, ब्रह्म उपासक जो पीछे भी बात की जा रही है, उनकी डेस्टिनेशन और भक्तों की डेस्टिनेशन अलग अलग होती है, सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो भगवत धाम जाते हैं, पुनः दुखाले संसार में वापस नहीं आते, और यहां भी रहते तो भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं और जितनी भी आवश्यकताएं वो देखते हैं। बताइए चाहिए क्या आपको, भगवान के संरक्षण? बताइए। फिर 23rd हम देखते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। तो अभी भगवान ने ये कहा कि वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, इतना कहा उन्होंने कि जो देवी देवता के उपासक है, सकाम कर्म वही है, उन्होंने क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं मेरी। लेकिन देखिए हम जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी जो पूजा पद्धति है वो अविधि पूर्वकम है। क्यों रिजल्ट में भेद हो जाता है, क्योंकि ये विधि युक्त सेवा नहीं है, विधि युक्त सेवा भक्ति है, और अविधि पूर्वक सेवा ये सब जो ऊपर अन्य उपासना जो करते हैं, जो देवताओं की भक्ति करते हैं या अन्य उपासनाएं करते हैं, वो सब क्या है, उनकी भक्ति कैसी होती है, अविधि पूर्वक। यस हे कुंती पुत्र, यहाँ पे कुंती पुत्र बोल रहे हैं भगवान, क्यों, क्योंकि बहुत पर्सनल बातें बता रहे हैं ना, तो उसको याद दिला रहे कि तुम कुंती के पुत्र हो जो कि बहुत मुझे प्यार करती है और मेरी बुआ है। तो तुम उनके पुत्र हो तो देवताओं के जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक कर्ता करते हैं, वास्तव में वो मेरी पूजा करते हैं। अभी बता भगवान बता रहे थे ना कि सब कुछ तो मैं ही हूं, प्रत्यक्ष करो या अप्रत्यक्ष करो, करते मेरी पूजा हो सब लोग, लेकिन उनकी जो अप्रत्यक्ष पूजा है वो त्रुटि पूर्वक होती है, इसलिए रिजल्ट नहीं देती। ये परपोट बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, ये समझ जाइए। यानी आप लोग बहुत बुद्धिमान है जो कृष्ण की भक्ति में लगे, मतलब बेस्ट पर्सन, भले दुनिया की नजर में हमको
कुछ भी कहा जाए, लेकिन हम लोग जो कृष्ण भक्त लोग हैं वो क्या है, सबसे बुद्धिमान है, और बाकी लोग क्या है, बुद्धि समझ में नहीं आएगी, इतना मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं मिलता। हो सकता है यहाँ बहुत फेमस हो लेकिन सब बेकार है ना। तो बाकी जो वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते, क्योंकि पूजा भगवान की अप्रत्यक्ष करते हैं। जैसे जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर पत्तियों में टहनियों में डालता है, तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि माली जब बताता है तब भी कहते कहाँ दिखाई दे नहीं रहा है, कहाँ है जड़। पेड़ की जड़ तो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है ना। तो किसको विश्वास है, जिसने देखा है। तो जिसने भगवान को देखा है वो बोलता है भगवान होते हैं नालायक, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, है ना। इसलिए इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने के लिए अमाशय यानी पेट को भोजन देना पड़ता है ना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान के सरकार के अधिकारी और निर्देशक है ना, भगवान के मिनिस्टर्स हैं वो, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। कोई अग्नि डिपार्टमेंट का है, कोई नॉलेज डिपार्टमेंट का है, कोई वायु डिपार्टमेंट का है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग देवता है, लेकिन मनुष्य को अधिकारी निर्देशों द्वारा नहीं अपितु तो सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना पड़ता है ना। अग्नि देवता अपना नियम थोड़ी चला देंगे, जो पीछे से ऑर्डर आएगा वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी निर्देश स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सभी जो भाग हैं उसके नरिश हो जाते हैं, उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे जो देवी देवता हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। माया तो कृष्ण भक्त जो होते हैं वो कभी भी देवी देवताओं की आलोचना नहीं करते, लेकिन बस वो ये जानते हैं कि शरणागति किसकी होती है, हम किसके हैं और इनकी क्या पोजीशन है। ये भगवान के मिनिस्टर्स हैं तो उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते। समझ में आ रहा है, ये देखिए एकदम क्लियर है। अधिकारी तथा निर्देश तो सरकार के प्रतिनिधि होते, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब देवी देवताओं को घूस देते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, दो पक्के मकान मैं भी बनवाऊंगी, है ना। राम लल्ला के पास मेरा भी एक होना चाहिए, बस मेरे घर में भी लल्ला हो जाए, है ना। तो गणपति बप्पा मोरया, है ना। तो अगर घूस देने वाले हैं, है ना, पद्मा माता जी गणपति बप्पा मोरया नहीं है आप, नहीं माता जी, कृष्ण भक्त हो गए मैं बिल्कुल। तो माता जी पहले भक्ति में आई ना, मतलब पहला ही दिन था तभी गीता कोर्स था, और तीसरा दिन था तभी मुझे क्लियर हो गया था, तभी गणपति भगवान ये भगवान गीता कोर्स में आता है ना, उसी दिन मुझे क्लियर हो गया था, तब से मैंने कभी पैदा वो नहीं होते की। ही माता जी का बिल्कुल क्लियर था। पैदा होते नहीं माता जी, इसमें आने के बाद। हम समझ गए, हम समझ गए, आप एक्सप्लेन कर दिए हमें, हम भी समझ गए। तो यहाँ पे लिखा है घूस देना अवैध है। जब देवताओं को घूस देते रहते हैं तो उससे क्या होगा, अवैध है वो। जैसे हम सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी लोगों को, उनका तो काम है वो करना, लेकिन घूस दे के कराते हैं ना काम, तो हाँ तभी काम होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद अवैध है, यहाँ पर इसकी अविधि पूर्वकम कहा गया है, यानी देवी देवताओं की उपासना करते हैं और हम चाहेंगे कि हमें शाश्वत सुख मिल जाए, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। देवी देवताओं की पूजा करना अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वकम। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तभी उन्होंने क्या किया था, इंद्र को, गोवर्धनधारी भगवान की जाय, इंद्र को यही भूल गया था। इंद्र, हाँ इंद्र यही यही चीज भूल गया था, वो सोचता हम ही भगवान हो गए हैं। तो भगवान ने कहा कि रुक जाओ, हम बताते हैं भगवान कौन है। फिर बेचारा आया था सुरभि के साथ, है कि भगवान बचन, प्लीज प्लीज प्लीज, गलती हो गई, गलती हो गई, हम बन गए थे गलती से, है ना। तो ये जो शिल प्रपाद ने इसमें बहुत अच्छे अच्छे परपोर्ट्स दिए हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं।
सो हियर मेंशन दैट दैट दे बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सिंपल रिएक्शन व्हेन दे वर्शिप मी टू अटेंड द हायर प्लेनेट द हायर यू गो यू हैव टू बिकम मोर एंड मोर फ्री फ्रॉम सिंपल रिएक्शन लोअर ग्रेड लाइफ एंड हायर ग्रेड लाइफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड मीन्स दैट दोज हु आर Propensially less sin are promoted to the higher planet. We cannot be complete free from sinful reaction in this material world. So we have to surrender Krishna. Thus, all right, but Krishna punne mrate lokam vinashati. When their asset of pious activities are finished, they driven back to this planet again. So I think it 22 bhi tha na. न्यूयॉर्क 1966 श्री प्रपात कहते हैं कि दोज हु आर स्टिल अंडर द इम्पर्सनल मटेरियल एडवांसमेंट विल मेक मी हैप्पी आर अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूजन जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो ब्रह्म है बट दोज हु आर इंटेलिजेंट बाय आर बाय कृष्णा ग्रेस और बाय गुड एसोसिएशन दे एबल टू अंडरस्टैंड दैट द शॉर्ट ऑफ द लाइफ इज नॉट डिजायरेबल आई मस्ट परफॉर्म दृढ़व्रता विद ग्रेट डिटरमिनेशन एंड वाउ तो दृढ़ता के साथ जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और जो ऐसा नहीं करते अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो क्या होते हैं मूर्ख होते हैं मैं नहीं कह रही देखो इसमें लिखा हुआ है हमें एक लाइन भी इधर उधर नहीं पड़ी है हमें ऐसे मत खोलो सब हमें ही देखने लगते बताओ हम खाली बुक पढ़ रहे हैं हमारी क्या गलती है कितने इनोसेंट व्यक्ति बिल्कुल भाई जो एज इट इज ज्ञान दे रहे हैं शिल्प यहाँ पे बोलते हैं कि any kind of worship, sacrifice and kind of charity and any kind of penance and they a kind of austerity, philosophy discussion, any kind of meditation are so many things recommended for self-realization of absolute truth. So Lord said those process I am the ultimate beneficiary. People do not know that Krishna is the supreme personality of Godhead. That's why they indulge in so many ways. But only bhakti is main. जब कोई less intelligent होता है तो अन्य जो पूजा पद्धति है उसके ओर आकर्षित होता है देखिए हम पिछले जन्म में जो संस्कार में रहते हैं है ना जो भी हमारा संस्कार रहता है जब आपको जन्म प्राप्त होगा तो आप उसी योग पद्धति की तरफ अट्रैक्ट होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए अगर भक्ति कर लीजिए तो कम से कम शुद्ध भक्ति का कुछ स्टोरेज रहेगा तो आगे चांसेस हैं कि भक्तों की तरफ अट्रैक्ट होंगे हम समझ में आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे शिल्प्रपात बाद में कहते हैं If I do not voluntarily surrender to the Supreme Lord and agree to be predominated by Him, then I shall be predominated by the elements of material nature. अगर हम भगवान की भक्ति या बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हमें भौतिक जगत की शक्ति दुर्गा देवी की बात स्वीकार करनी पड़ेगी हम क्या सोचते हैं कि भक्त लोग तो बहुत बंधन में बेचारे रहते हैं हम बिल्कुल आजाद है जो भी खाओ जहां भी रहो नहीं आप दुर्गा देवी के संरक्षण में हैं है ना समटाइम अ जेंटलमैन केम हियर एंड बिकम टू मच एजिटेट बाय द स्मोकिंग फॉर 5 or 10 minutes ही आस्क परमिशन स्वामी जी कैन आई स्मोक ही बिगेन प्रीडोमिनेटेड बट ही डज नॉट नो इट इज थिंकिंग दैट आई एम स्मोकिंग बट ही डज नॉट नो दैट स्मोकिंग इज किलिंग हिम देखिए भक्ति करने वाले को भक्तों को लोग सोचते हैं बेचारे ये प्रसाद में ये नहीं करते कितने बंधन में रहते हैं प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरे एक व्यक्ति था जो कि स्मोकिंग बहुत करता था सिगरेट बहुत पीता था 10 मिनट बात करने के बाद उसको तलब लगी तो मुझसे पूछता है क्या मैं जाके सिगरेट पी के आ सकता हूँ फिर आपसे बात करूं तो उसको लगता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं कितना भ्रम है बल्कि सिगरेट उसको पी रही है कि वो रह नहीं सकता 5 मिनट भी है ना जैसे मोबाइल एडिक्शन क्या सोचता है मैं मोबाइल देख रही हूँ नहीं मोबाइल आपका सारा कुछ हर लिया है आपके सारे रिलेशन आपके सारे चीजें आपका अभी थिंकिंग प्रोसेस सब रोक दिया है उसने
एक्चुअल में आपकी कंडीशन ज्यादा खराब है। और हम क्या, वो क्या सोचते हैं, हम स्वतंत्र हैं और भक्त को बड़ा वो 16 माला करनी पड़ती है बेचारों, 4 बजे उठना पड़ता है ना, वो सोचते हैं हम बंधन में हैं और हमें लगता है वो बंधन में। कितना सुंदर जी के श्री प्रभुपाद बताए हैं, यहाँ पे बताते हैं, बट ही डज नॉट नो दैट स्मोकिंग इज किलिंग, सो बिकॉज ही डज नॉट नो हु इज प्रीडोमिनेटर हियर ही इज फॉलिंग डाउन, देयरफॉर द बेस्ट इंटेलिजेंट इज टू एक्सेप्ट द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एज अ प्रीडोमिनेटर। इसलिए जो भक्त होते हो जानते हैं कि जो मेन व्यक्ति है जिसके अंडर में हमको रहना चाहिए वो कृष्ण है। देयर इज एन आर्गुमेंट दैट इन वॉट एवर फॉर्म यू वर्शिप द सुप्रीम द रिजल्ट विल बी सेम, दिस इज मायावादी थ्योरी, गॉड इज इम्पर्सनल बिकॉज वी कैन नॉट वर्शिप और मेडिटेट ऑन समथिंग इम्पर्सनल, लेट अस इमेजिन समथिंग अबाउट हिम एंड मेडिटेट अपॉन दैट इम्पर्सनलिस्ट योगी पुट बिफोर देम अ लंप ऑफ समथिंग एंड कंसेंट्रेट अपॉन इट, हियर द थ्योरी इज रिफ्यूज बाई कृष्णा, ही क्लियरली से दोज हु आर ट्राइंग टू वर्शिप द डेमी गॉड गो टू द प्लेनेट ऑफ डेमी गॉड एंड दोज हु वर्शिप मी विल कम बैक टू मी। क्लियर हो गया? प्रभुपाद लिखते हैं, वी हैव ओपन 102 सेंटर एंड ईच सेंटर देयर आर सो मेनी पीपल, लाइक 201 सेंटर देयर इज 250 एंड नॉट लेस देन 50 एंड कृष्णा इज सेंडिंग देयर फूड, देयर इज नो सेक्रेटरी सेक्रेसिटी, वी डू नॉट डू एनी बिजनेस, वी डू नॉट डू सर्व इन एनी ऑफिस, बट स्टिल कृष्णा इज सेंडिंग। भाई अभी राम मंदिर खुला, आप देखो राम मंदिर में मतलब इतना पैसा हो रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही गिनने में। और जबकि अभी कहा जाता है कि ये दिक्कत है दुनिया, भारत में ये गरीबी है, भारत में वो हो रहा है, भारत में ये है, और अभी राम मंदिर खुला वहां पे कोई दिक्कत है? वो ये दिक्कत है कि हमको दर्शन नहीं हो रहे हैं। दिक्कत ये है ना, तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप सोचते हैं कि जब ऑफिस जाएंगे, आप जब काम करेंगे, तब आप जो है सुखी होंगे। प्रभुपाद कह रहे मेरे 102 सेंटर खुल चुके हैं और प्रत्येक सेंटर में 250 या 50 भक्त तो रहते ही हैं, उन सभी का पालन भगवान कर रहे हैं, जबकि न हम ऑफिस जाते हैं न हम कोई ऐसा काम करते हैं। तो योगक्षेम वहामी हम हुआ कि नहीं? अभी विष्णु अवतार प्रभु जी बता रहे थे कि माता जी जब हमको लगता था कि हम अपने परिवार का पालन कर रहे थे तो कुछ नहीं हो पाता था, न किसी को हम पालन कर पा रहे थे न कुछ कर पा रहे थे, अब जब कृष्णा के ऊपर छोड़ दिए तो लड़की की भी शादी हो गई, लड़का भी सेट हो गया और हमारा भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, हरि बोल। और कोई कहा कहता मैं क्या काम धंधा भी नहीं करता, सारा दिन घूमता रहता हूँ, हरि बोल हरि बोल। इतना, और इनके इनके जो जितने भी रिश्तेदार है वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि ये तो कुछ करता नहीं है निकम्मा, और इसके सारे लोग सेट हैं, हम लोग इतने दिन करते हैं और कोई सेट नहीं है। ते कहते हैं कि ना मोना तेरे के चेहरे पे कहते लाली आ रही है और हमारा चेहरा हाँ कह लाल रहे, हाँ तुम्हारे चेहरे पे तो लाली आ रही है, तो दिन भर काम दर्शन करता रहता है और हम सूखे चले जा रहे हैं। काम कर करके खाता गया है तू है, देख लीजिए, देख प्रत्यक्ष ये सब चीज है। तो श्री प्रभुपाद जो लिख रहे हैं है ना, हमें भी विश्वास होना चाहिए इस सब कि हमें अपने बस ये चिंता करनी चाहिए कि हम अपनी भक्ति करें, बाकी जो हमारा कर्तव्य है वो निर्वाह करें, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जब श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वी डू नॉट गो टू सर्व इन द ऑफिस, सो बट कृष्णा इज सेंडिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा, ही विल गिव यू सफिशियंट सप्लाई, यू ओनली हैव टू मेक द अटेम्प्ट, चैंट हरे कृष्णा एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम एंड योर मूवमेंट विल बी सक्सेसफुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रपात एक और 1976 फ्रांस में बोल रहे हैं, द मेडिटेशन इज द मन
मना भव मत भक्त, ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा, एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड वर्शिप कृष्णा, कृष्णा से योगक्षेम वहामि अहम्, आई पर्सनली कैरी ऑल द नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। जब हमने ये श्लोका पढ़ा था मुझे बहुत बहुत शांति मिली थी कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करके भी क्या कर लेंगे कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ ये मेन पॉइंट है, इसको हम अगर समझ जाए, आप देखिएगा भक्त जो होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस पॉइंट पर बिलीव करते हैं कि भगवान सबका पालन करते हैं, हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना, हमारे लिए जो सिद्धांत तय किए गए बस उसका पालन करना है। हमें ये देखना चाहिए कि हर हालत में हमारी भक्ति होती रहे, बाकी जो हमारे कर्म के हिसाब से वो ही मिलेगा, है ना। और मजे की बात है कि वो कर्म पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, पिछले जन्म के वो मिल रहे हैं, और अभी जो करेंगे वो आगे मिलेंगे। तो सोच लीजिए हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अभी वाला मिलेगा भी नहीं आपको तो झूठ मूठ का इतना पंगे लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे भगवान ने एकदम क्लियर कर दिया और घोषणा कर दी कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और देवी देवताओं की भक्ति करता है, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर हो गया? कृष्णा कृष्ण ही की खाम, तभी आप जाने वाले हैं। नहीं तो जिसकी भी भक्ति करेंगे, एक तो यहाँ पे भी त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं, यहाँ पे भी दुखी रहेंगे और मरने के बाद तो दुखी रहेंगे क्योंकि त्रुटि पूर्वक सारा काम किया। लेकिन भगवान की भक्ति करने पर यहाँ पे भगवान पालन करेंगे और वहां तो पालन करना है, वहां पे वहां पद्मगंधा गाय है, वहां पद्मगंधा गाय का दूध पीना है कल्प वृक्ष है, तो वहां भी ऐसे ही है। तो मस्त रहिए और खूब अच्छे से भजन कीजिए और अनन्य भक्ति और भक्तों का संग करके अनन्य मति बनाइए कि आप भगवान कृष्ण की उपासना करते चले गए। तो जब हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो हम बाकी किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते। हम किसी को चैलेंज करने जाते हैं, लोग हमें चैलेंज करते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। तो हम कहते भैया यहाँ पे भगवान ने कहा है, तो ये अध्याय आप लोग पढ़ लीजिए, इन श्लोकों को अच्छे से नोट कर लीजिए और यही श्लोक जो है बिना आर्ग्यूमेंट मत कीजिए कि ये भगवत गीता ये है, इसका नवा अध्याय है, नवा अध्याय का 21वां श्लोक निकाल लीजिए, हैं सकाम कर्मी है तो 19वां श्लोक निकाल लीजिए है ना, नहीं सकाम कर्मी तो 20वां श्लोक निकाल लीजिए, 21वां श्लोक, हाँ 21वां श्लोक निकाल लीजिए। और कोई निर्विशेष वादी है तो फिर आगे वाले श्लोक दे दीजिए, 15वां 14, 14, 15वां उनको पढ़ा दीजिए और कहिए देखिए भगवान ने क्या कहा है, है ना। तो आर्ग्यूमेंट का कोई प्रश्न नहीं होता। और भगवान ने यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसकी सारा योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं, स्वयं भगवान करते हैं। तो भगवान आपको स्वयं चाहिए कि साइड वाला बिजनेस चाहिए? स्वयं ना, स्वयं राधा रानी, हाँ राधा रानी संरक्षण चाहिए हमें, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान फिर और भी चीजें डिक्लेयर करेंगे और ये भी बताएंगे एकदम क्लियर क्लियर कि जो जिसकी भक्ति करता है वो कहाँ कहाँ जाता है। अभी तो भगवान ने कहेगा कि एक प्रत्यक्ष भक्ति करता है, एक अप्रत्यक्ष भक्ति करता है, दूसरा जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के पास जाता है। अभी भगवान अन्य लोगों का वर्णन कर दी कि वापस जाके नीचे ही आता है। अब भगवान बताएंगे कि जो जिसकी भक्ति करता है उसका होता क्या मरने के बाद, अभी इस शरीर में रह के क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मरने के बाद उसका क्या होता है, ये भी भगवान 25वें में बता देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।